हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं कुछ टमाटर के प्लांट्स लाई थी, उनका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके पहले मैं आपको अपने गार्डन के ये बहुत ही खूबसूरत सा पिटूनिया दिखा देती हूँ, जो कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरी, मतलब कि इतना अच्छा, ये सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही कम केयर में इतने आराम से चलता है। और ये देख रहे ना, पूरा कुछ दिनों में ही पूरा फूलों से ये भर गया है और पूरी बास्केट भी भर गई है। तो चलिए अब रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने मिट्टी बहुत अच्छे से बना ली है और जो घर में आटे की बोरी आती है मैंने वही इस्तेमाल की है। मिट्टी मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है, भरपूर अच्छे से खाद वगैरह डाल के। और ये जो सब ऐसे बेचते हैं ना, कई चीज़ों के प्लांट वो सब रखे रहते हैं, मिर्च के भी, टमाटर के, छोटे छोटे फ्लावर्स के प्लांट, तो वहीं से मैंने लिया है। और ये मैंने 10 के 5 पेड़ लिए हैं। और ये देखिए, और ये मैंने धनिए के भी बीज लिए हैं। जो मैंने पिछली बार धनिया अभी लगाया था वो पता नहीं क्यों, कभी ऐसा नहीं होता था कि जर्मिनेशन नहीं हुई हो, तो इसलिए मैंने ये दूसरा बीज ले आया है। हो सकता है पिछले वाले बीज में कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी इसको उगा के देखेंगे। और एक मैंने ये लिया है गुलदावदी का प्लांट, और एक ये येलो कलर का लिया है। ये 2 प्लांट मैंने लिए हैं। ओ एक्चुअली मैंने येलो कह के पहले का जो प्लांट लिया था उसने भी बोला था कि वो येलो है, बट वो येलो नहीं था, वाइट था। तो मुझे येलो चाहिए था तो मैंने येलो लिया, और एक पिंक और वाइट के शेड में है। तो देखिए अभी मैं इसको लगा देती हूँ। सिंपली मैंने एक एक प्लांट को अलग किया है और मिट्टी में पानी मैंने पहले से डाल लिया है। जब भी आप बहुत ही छोटे प्लांट को लगाएं तो मिट्टी में आप पानी एक बार पहले से ही डाल लें, ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसके बाद से आप थोड़ा बहुत पानी डाल दें तो ऐसे ठीक रहता है, प्लांट डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं और अच्छे से चलते हैं। तो बस इसको आराम से ऐसे लगा के अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि कोई हवा वगैरह नीचे ना जाए और ये हमारा प्लांट ख़राब ना हो। और देखिए एक बार मैं फिर से हल्का सा पानी डाल दे रही हूँ ऊपर से। क्या होता है ना, मिट्टी में पहले से अगर पानी डाल लो, गीला कर लो, तो प्लांट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं। फिर मैंने हल्का सा ही बस वाटरिंग कर दिया है। और ये देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, बस आपके साथ ये शेयर करना था। और टमाटर मैंने पहली बार लगाए हैं, इसके पहले मैंने नहीं लगाया था, तो अभी देखते हैं मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और चलिए अभी ये सब देखिए मेरे गार्डन के कितने सुंदर सुंदर प्लांट हैं। मैं आपके साथ एक ओवरव्यू भी शेयर करूंगी कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जो मैंने विंटर सीज़न में ख़रीदे हैं। अब जैसा कि विंटर सीज़न स्टार्ट ही हो गया है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा व्यू दिखा दे रही हूँ आपको। और इतने सारे ये सब गुलदावदी के इतने ढेर सारे ब्लूमिंग कर रहे हैं, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।